नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ड्राइव इन वैक्सीनेशन में दोनों केंद्र पर लोग परेशान, विदर्भ में मिलेगी 100 एम्बुलेंस, तूफान की वजह से 3 ट्रेनें रद्द। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। ड्राइव इन वैक्सीनेशन में दोनों केंद्रों पर लोग परेशान, दूसरे दिन वैक्सीन आने में आधा घंटा विलंब, लगी रही लोगों की लंबी कतारें, अनेक लोग वापस लौटे, लाचारी का मजाक उड़ाया। मनपा ने शुक्रवार से ड्राइव इन वैक्सीनेशन की शुरुआत की। शहर के 2 मॉल में 60 से अधिक आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। एक केंद्र का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया तो दूसरे केंद्र का शुभारंभ पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने किया। शनिवार को इन केंद्रों पर लंबी कतार लग गई। केंद्र का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक का रखा गया है। केंद्र पर 10 बजे तक वैक्सीन ही नहीं पहुंची थी। ऊपर से परेशानी यह कि केंद्र से दोपहिया वाहनों पर आए लोगों को लौटाया जा रहा था तो दूसरे केंद्र पर लोगों को पहले माले तक चलकर जाना पड़ा। तो वही दूसरी ओर विदर्भ में मिलेगी 100 एम्बुलेंस। कोरोना संकट को देखते हुए विदर्भ में विशेष तौर से करीब 100 एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाएगी। कोरोना संकट को देखते हुए विदर्भ में विशेष तौर से करीब 100 एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाएगी। एमजी मोटर्स व पेटीएम की ओर से जीवन रक्षा प्रणाली युवक यह एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाने वाली है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एमजी मोटर्स के व्यवस्थापक संचालक राजीव चाबा व पेटीएम के व्यवस्थापक संचालक विजय शेखर शर्मा से संपर्क किया। कोविड की स्थिति व उपलब्ध साधन के बारे में चर्चा की। उन्होंने सीएसआर निधि से एम्बुलेंस देने का निवेदन किया, लिहाजा चाबा ने तत्काल 8 एम्बुलेंस भेजने की जानकारी दी। पेटीएम ने यह खर्च उठाने के लिए कहा, शेष एम्बुलेंस जल्द ही एमजी की ओर से देने का आश्वासन दिया गया है। गडकरी ने कहा है कि मरीजों को उपचार केंद्रों तक पहुंचाने के लिए 100 एम्बुलेंस काफी सहायक होंगी। तो वही तीसरी ओर तूफान के वजह से 3 ट्रेनें रद्द। गुजरात क्षेत्र में शनिवार और रविवार को चलने वाली 3 रेलगाड़ियों को रद्द किया गया। दक्षिण भारत सहित समुद्री क्षेत्र से लगे राज्यों में तूफान और गुजरात क्षेत्र में चेतावनी के बाद शनिवार और रविवार को चलने वाली 3 रेलगाड़ियों को रद्द किया गया है। इसमें हावड़ा पोरबंदर स्पेशल, पुरी ओखा स्पेशल और संतरागाछी पोरबंदर स्पेशल ट्रेनें रद्द रहेंगी। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।